एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है एंड प्रेजेंट टेंस के जितने भी सब टाइप थे, 4 सब टाइप हम देख चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस के ज्यादा सब टाइप देखने वाले हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस में होते थे कौन कौन से, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही चारों सब टाइप पास्ट टेंस में भी होते हैं। तो इन्हीं चारों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम नाम देखते हैं पास्ट टेंस में कौन कौन से होते हैं। जस्ट अ मिनट। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका हम फर्स्ट सब टाइप पहले देखने वाले हैं, जो कि है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, या तो हम क्या यूज करते थे, V1 या फिर V5। V5 का मतलब होता है वर्ब में एस या ES लगा होगा, या फिर जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता था, डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब, एंड मेन वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते थे। ऐसे ही सिंपल पास्ट में क्या होगा, कौन सा फॉर्म यूज होगा वर्ब का, सेकेंड फॉर्म। एंड अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डिड, एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता था, डू एंड डज। पास्ट में क्या होगा, डिड एंड मेन वर्ब का दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म आता है। और इधर सिंपल प्रेजेंट में क्या होता था, V1 एंड V5। V5 का मतलब उसमें एस या ES लगा होगा सब्जेक्ट के बाद। यहाँ डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेट। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। प्लेट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ईडी लगा है, प्ले, प्लेट एंड प्लेट, ये वर्ब के तीनों फॉर्म होते हैं। ही डिड नॉट प्ले। देखो अभी सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव, तो सब्जेक्ट वही गिवन है ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, डिड नॉट, एंड मेन वर्ब का क्या फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले। ही डिड मेक अ मिस्टेक। Did is helping verb and make क्या है हमारा main verb, a mistake। Make जो है verb का first form है and he हमारा क्या है यहाँ पर subject। He did help others। He did help others। Did क्या है, He did make a mistake। देखो इन दोनों sentence में helping verb did given है and जो main verb है उसका first form given है, फिर भी ये दोनों सेंटेंस क्या है हमारे रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि जो डू, डज, डिड ये तीनों होती हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होती है, या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है या फिर इंटरोगेटिव में। पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू, डज, डिड का यूज नहीं होता है, हम पहले वाली वीडियोज में भी ये पढ़ चुके हैं, इसलिए दोनों सेंटेंस क्या होंगे, रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, डिड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, and here not also will come, he did not help others, then ये क्या होंगे एकदम करें, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, उन्हें सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं तो आप सिंपली क्या पुट करने वाले हो वहां पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या 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 इंडिकेटिंग वर्ड है, अर्लियर, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, लास्ट के साथ डे, मंथ, ईयर या टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ भी हो सकता है, फॉर्मली, यस्टरडे, या फिर इन पास्ट मंथ और पास्ट ईयर, इन पास्ट मंथ या फिर इन पास्ट ईयर, ऐसे भी आपको सेंटेंस में मिल सकता है। तो ये सारे इंडिकेटिंग वर्ड जब यूज होंगे तो हम कौन सा टेंस वहां पर लगाने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं इंडिकेटिंग वर्ड से रिलेटेड। देखो, आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, जो बीता हुआ दिन है, यस्टरडे, तो ये हमारा इंडिकेटिंग वर्ड था यस्टरडे। सो हमने क्या यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि है वी टू, क्या होती है, गो, वेंट एंड गॉन, ये तीनों फॉर्म होती है गो की। I did not go to my uncle's house yesterday. ये sentence को negative कर दिया है, तो helping verb did है and main verb जो है वो go है verb का first form. Sentence क्या होगा हमारा एकदम correct.
इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। और हम क्या कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल जो टेंस है, अगर कुछ टाइम गिवन है, जैसे यस्टरडे कल का दिन गिवन है, 1947 इन पास्ट टाइम पास्ट ईयर, तो ये गिवन है तो भी क्या यूज हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई सॉ हिम सम टाइम बैक। बैक क्या है इंडिकेटिंग वर्ड, सॉ क्या है हमारा वी टू, आई डिड नॉट सी हिम सम टाइम बैक। अब इसी सेंटेंस का क्या बनाया है नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा है डिड एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि होता है सी। क्लियर है इतना। लॉन्ग अगो शी प्रपोज्ड टू हर बेस्ट फ्रेंड, यहां पर कौन सा इंडिकेटिंग वर्ड गिवन है अगो, इसलिए क्या यूज हुआ है वी टू जो कि है पास्ट सिंपल टेंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम अच्छा इसमें एक और चीज क्या है, अगर आपको सेंटेंस में क्या गिवन हो, जैसे ऐसा गिवन हो दिस इज टाइम, दिस इज हाई टाइम, दिस इज राइट टाइम, या टाइम से रिलेटेड कुछ भी दिया हो, इट इज टाइम या फिर दिस इज, कुछ भी लगा हो सकता है, दिस इज टाइम, इट इज टाइम, दिस इज राइट टाइम या फिर इट इज राइट टाइम, दिस इज हाई टाइम या फिर ऐसे भी हो सकता है इट इज हाई टाइम, दिस इज अबाउट टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम, दिस इज एप्रोप्रिएट टाइम या फिर इट इज एप्रोप्रिएट टाइम। तो हम वहां पर कौन सा टेंस यूज करने वाले हैं, सिंपल पास्ट टेंस जो कि होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब टू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ये गिवन है इट इज हाई टाइम। यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड द जर्नी। क्लियर है। इट इज अबाउट टाइम, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है इट इज अबाउट टाइम, सेकेंड फॉर्म गिवन है लर्न, क्या है म्यूजिक, तो ये हमारा एकदम करेक्ट है। तो क्लियर है सभी को, अगर सेंटेंस में आपको इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज एप्रोप्रिएट टाइम, ऐसा कुछ भी मिले तो वहां आप कौन सा टेंस लगाओगे, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट भी आप बोल सकते हो, तो वहां पर पास्ट टेंस लगने वाला है कौन सा, सिंपल पास्ट। क्लियर है। ये देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो लास्ट रूल है, इसको रूल या जो भी आप बोलो, अगर सेंटेंस में आपको मिले आई विश वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वहां पर कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस, इट मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब देखो वॉज और वर्ब क्या होते हैं, वॉज एंड वर जो होते हैं वो वर्ब के क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पर वॉज भी लगा सकते थे या नहीं, तो जो रूल और इंक्लूड होता है इसमें वो क्या है, आई विश वाले सेंटेंसेस के साथ अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट गिवन है आप क्या लगाओगे, वर्ब ना कि वॉज। क्लियर इतना। इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, आई वर अ डॉक्टर, आई विश, आई वर्कड हार्ड, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। आई विश ही न्यू, वी टू लगा है, माई नेम, आई विश आई वर अ बुक, यहाँ पर वर्ड लगा है तो एकदम करेक्ट। क्लियर है सभी को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखने से पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब थी हमारी इज, एम एंड आर, एंड वर्ब में क्या लगा था आई एन जी। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वॉज एंड वर्ब, वॉज एंड वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और मेन वर्ब में क्या लगेगा हमारा आई एन जी। इसके कुछ इंडिकेटिंग वर्ड है जो हम यहीं पर देख लेते हैं, क्या होगा, ऑल दैट टाइम, इन दोज डेज, देन एंड वैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, देन एंड वैन, होल टाइम एंड ऑल टाइम। ये सारे इंडिकेटिंग वर्ड अगर आपको सेंटेंस में मिलेंगे तो आप कौन सा टेंस लगाने वाले हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज गिवन है। देखो वॉज क्यों गिवन है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम, वॉज ना कि वर्ब। राइटिंग मेन वर्ब में आई एन जी लगा है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिख दिया है, पहले, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। द डॉग वॉज वॉकिंग होल नाइट, होल नाइट देखो इंडिकेटिंग वर्ड होगा ये रहा, होल टाइम अगर गिवन है तो इंडिकेटिंग वर्ड गिवन है किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पर द डॉग क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगा है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, एंड बार्किंग क्या है हमारी मेन वर्ब।
क्लियर है सभी को? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ इतना ही है, वॉज वर एंड मेन वर्ब में आईएनजी एंड कुछ इंडिकेटिंग वर्ड है जो आप याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को देखने से पहले वही प्रेजेंट वाला हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था? हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर से हैज आपके प्लेस पर क्या आ जाएगा? हैड। आई हैड रिटर्न अ लेटर, हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखो तीनों फॉर्म होते हैं इसके, राइट, रॉट एंड रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म गिवन है रिटर्न। सेंटेंस एकदम सही है। अगर इसी को इंटरोगेटिव हम बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से भी, देन सब्जेक्ट। अच्छा, इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही बना दिया, हैड आई नॉट रिटर्न अ लेटर। सही है एकदम। और क्या है पास्ट परफेक्ट के रूल? देखो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट करके लिखना आप। क्या है? इन पास्ट, पास्ट में इफ टू और मोर देन टू इंसिडेंट्स हैपन वन आफ्टर अदर, द फर्स्ट इंसिडेंट विल टेक हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है पास्ट परफेक्ट, एंड द रेस्ट विल बी इन बी टू जो कि है सिंपल पास्ट। क्या बोला है यहाँ पर? अगर एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हो जो कि दोनों किस में हो? पास्ट में। तो जो काम पहले हुआ हो वो उसको हम किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। देखो ये वाला रूल हम कौन से टाइम से पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो जो पहले होगा उसी को हम किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होगा उसको हम किस में लिखेंगे? सिंपल पास्ट में। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन यू रीच्ड। He had finished. देखो काम पहले हुआ है या फिर पहले वो पहुंचा है? काम पहले हुआ है। तो had थर्ड यहाँ पर आया, had एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। When you reached, जब तुम वहां पहुंचे, तो ये क्या हो जाएगा? Reached, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो कि होगा सिंपल पास्ट। यहाँ पर when किसकी तरह काम कर रहा है? कंजंक्शन की तरह जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड, अगेन कंजंक्शन है when। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, तो पहले जो काम हुआ है उसमें क्या लगाया है? हैड थर्ड। एंड आई रीच्ड, वो बाद में पहुंचा है, तो ये वी टू सिंपल पास्ट, इट मीन्स वी टू। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो है हैड डाइड, पहले ही मर चुका है। व्हेन द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है पास्ट परफेक्ट का, तो आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो। अब पास्ट का हम जो हमारा लास्ट टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या था? हैज, हैव एंड वी बीन एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हैज और हैव की जगह क्या आ जाएगा? बस हैड, हैड बीन एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और सबको पता है कॉन्टीन्यूअस में सिंस एंड फॉर भी लगा होता है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स गिवन है तो फॉर लगेगा। अगर कोई से भी 10 आवर्स हो सकते हैं, हम क्लियर नहीं कर सकते यहाँ पर कि कौन से 10 आवर्स है, इसलिए क्या लगा है? फोर। एंड यहाँ पर क्या यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि है हैड बीन एंड आईएनजी। आई हैड बीन नरेटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट इवनिंग। यहाँ पर टाइम फिक्स है कौन सा? लास्ट इवनिंग। जैसे आज की इवनिंग की हम बात करें तो इससे पहले वाली इवनिंग कौन सी होगी? लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पर टाइम एकदम क्या है? क्लियर है, इसलिए क्या यूज हुआ है? सिंस का। एंड इधर क्या लगा है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैड बीन एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आई होप आपको पास्ट टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने दो वीडियो में अपना पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और आगे की वीडियो में जो हम फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं उसे भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।